हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। आप में से जो बहुत समय से आप लोग के जो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाए, और मैंने भी आप लोगों को कहा था कि आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो जो हमारा पहला टेस्ट पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो पहला टेस्ट पेपर है हमारा वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित है, यानी छत्तीसगढ़ के पूरे प्रश्न जो 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और ये 100 के 100 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ से रहेंगे। इसमें मैक्सिमम देखिए, इसमें 30 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के रहेंगे और बाकी जो 70 प्रश्न हैं वो आपका कृषि, उद्योग, खनिज, नदी, पहाड़, पर्वत, आपके जलप्रपात, इधर आदिवासी जनजाति, बोली, लोकनृत्य, लोकनाट्य, साहित्य, आपको सभी के सभी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है और आगे इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन का कुछ सेट मैंने इसमें तैयार किया है। तो देखिए, ये जो आप यदि इस मैंने आपको कहा था कि ये जो टेस्ट पेपर रहेगा इसका कुछ मैं मिनिमम प्राइस रखूंगा। ये टेस्ट पेपर का मिनिमम प्राइस जो है वो है आपका 25 रुपये मैंने इसका प्राइस रखा है। तो देखिए, यदि आप इस टेस्ट पेपर को परचेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सीरियसली इसे थोड़ा टाइम निकाल करके इसे सॉल्व कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए। जब आपके पास टाइम है 3 घंटे का, आप अपना सेपरेट टाइम निकालिएगा तभी इसे सॉल्व कीजिएगा कि एक बार बैठे तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक ही बार में अटेम्प्ट कर सके। वरना इसे डाउनलोड करके उसे एक फोल्डर किसी एक कोने पर रखने से कोई मतलब नहीं है। टाइम निकालिएगा, 3 घंटे का समय, टाइम ड्यूरेशन देखिए, सॉल्व करते रहिएगा जब तक पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाते 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में, तब तक कोई एक क्वेश्चन को पकड़ करके कोई एक ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने का कोशिश मत कीजिएगा। पहले 3 घंटे पूरे के पूरे क्वेश्चन एक बार आप ये तो देखिए कि आपसे कितने प्रश्न हल हो रहे हैं। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन का सेट है, इसे थोड़ा तैयार कीजिएगा। देखिए, इसका मैं चाहूँ तो आपको ये जो PDF है मैं आपको फ्री में भी अवेलेबल करा सकता था, इसका मिनिमम कॉस्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या होता है, देखिए कोई भी स्टूडेंट है वो केवल 2 चीज़ों की कदर करता है। एक, जो वो खुद के जो हैंड रिटन नोट्स, वो जो नोट्स बनाता है उसकी, उसके सामने कितने भी अच्छे नोट्स क्यों ना आ जाए, हैंड रिटन नोट्स क्यों ना आ जाए, उसके फ्रेंड के नोट्स क्यों ना आ जाए, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में रहता है तो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहली प्रायोरिटी अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स को देता है, और दूसरा खुद के पैसों से खरीदेगा स्टडी मटेरियल्स पर। जैसे आप सभी को मालूम है कि फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारे आपके बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट पेपर आते हैं, लेकिन आपको भी ये हकीकत मालूम है कि आप उसमें कितना समय देते हैं। एक बार खोल के देखेंगे, जब तक आपसे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ तब तक सॉल्व करेंगे, जहां 2-3 क्वेश्चन आपसे आगे के सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उसे साइड करके स्मार्टफोन के किस फोल्डर पर वो PDF पड़ा होगा वो आपको भी नहीं मालूम। ये सच्चाई है। तो बस यही एक सोच है मेरा कि इसका एक मिनिमम कॉस्ट रखा जाए, ताकि केवल जिन्हें आवश्यकता है टेस्ट सीरीज़ की, या जो सीरियसली होकर के जो देना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि देखिए, मेरा ये सोच नहीं है कि इसको 100 लोग 200 लोग, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट यदि इसको 10 लोग भी यदि इसे परचेस करें, लेकिन ऐसे लोग परचेस करें जो अपने टाइम शेड्यूल में से 3 घंटा निकाल करके इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सीरियसली सॉल्व करे। देखिए, मैं आपको इतने सारे मटेरियल या वीडियो आपको इकोनॉमिक सर्वे का दे रहा हूँ, इतने इतने टाइम से आपको ड्रॉ कर करके आपको मैप बता रहा हूँ, तो जब आपको ये चीज़ जब मैं आपको मुफ्त में दे सकता हूँ, तो ये 10 से 12 पेज का आपको ये PDF भी मैं आपको मुफ्त में अवेलेबल कराने का करा सकता हूँ मैं। लेकिन बस एक थोड़ी सोच है कि अगर मैंने इसके पीछे थोड़ा PDF बनाने में मेहनत किया है तो, या क्वेश्चन पेपर बनाने में मेहनत किया है, तो एक्चुअली ये उन लोगों तक पहुँचे जो थोड़ा सीरियस होकर के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर फ्री की चीज़ें लोगों को हजम नहीं होती, ठीक है, तो जैसे आपको बता देता हूँ, देखिए इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको एक बार बता देता हूँ मैं फटाफट। देखिए, लिंक आपका नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ जो नीचे कमेंट सेक्शन में यदि आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको मेरा ही मिलेगा, जहां पे आपको इसका लिंक दिया होगा। देखिए, आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये आपका हमारा CGPSC का InstaMojo अकाउंट पे आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए, यहाँ पे आपका मिनिमम प्राइस दिया हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, यहीं पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ है, बेसिक डिटेल का आपका एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर जस्ट आपको अपना नाम टाइप करना है, और नाम टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। देखिए, मैं आपके सामने फटाफट इसे टाइप कर देता हूँ। देखिए, नाम, उसके बाद आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, ईमेल आईडी के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक,
उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है 25 रुपीज़ आपको टाइप करके यहाँ साइड में जो अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, तभी पे के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। ठीक, देखिए उसके बाद पेमेंट के कैसे कैसे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको UPI से कर सकते, क्रेडिट कार्ड से कर सकते, डेबिट कार्ड से कर सकते, नेट बैंकिंग, वॉलेट का ऑप्शन है। देखिए मैं वॉलेट पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, मैं फ्रीचार्ज यूज़ करता हूँ। देखिए फ्रीचार्ज को सेलेक्ट करके यहाँ पर चेकआउट कर देता हूँ। ठीक, देखिए फिर उसके बाद फ्रीचार्ज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे अगर आप, आपके पास पहले से फ्रीचार्ज अकाउंट होगा तो ये आपसे आसानी से हो जाएगा फ्रीचार्ज। जैसे मेरे पहले से अकाउंट है तो देखिए मेरे पास OTP आ गया, जस्ट मैं इसमें OTP डालूँगा। देखिए OTP डाल के मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से मेरे पास एक बार पेमेंट कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा। देखिए मेरे वॉलेट बैलेंस से ये डेबिट होगा, मैं जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा नीचे पे 25 यूजिंग फ्रीचार्ज बैलेंस पे, जैसे ही क्लिक करूँगा नीचे वाले सरफेस पे तो वैसे ही आपका देखिए ये कन्फर्मेशन मैसेज आ गया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया करके पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फाइल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 400-450 KB के आसपास का फाइल है, इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये तुरंत ही आपसे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, देखिए 497 KB के आसपास का है। फिर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे देखिए पहला इंटरफेस आपको, जैसे मैंने आपको प्रीव्यू पे दिखाया था, ये प्रीव्यू वाला आपका इंटरफेस ओपन होगा ये। ठीक, सेकंड पेज आपका ये रफ पेज वाला रहेगा, सेकंड पेज आपका रफ पेज रहेगा। ठीक, और उसके बाद थर्ड पेज से आपको क्वेश्चन दिखने चालू हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, यदि आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, UPI है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और वॉलेट बैलेंस है। देखिए इसमें वॉलेट में जहाँ तक मैंने देखा है इसमें फ्रीचार्ज और मोबीक्विक दो ऑप्शन ही दिए गए हैं, लेकिन जनरली लोग इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्टली लोग जो वॉलेट में जो यूज़ करते हैं वो रहता है आपका पेटीएम। तो देखिए यदि आपको इससे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, बहुत से लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो डेबिट कार्ड से भी इसे पे करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग UPI यूज़ करते हैं, कई लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीचार्ज और मोबीक्विक होगा तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो आप देखिए एक बार कन्फर्मेशन के लिए मेरे पास मेरा ये जो नंबर है, इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आप अपना नाम, पता मतलब किस जिले से है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी एक बार इसमें मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करने के बाद जब मेरे जो इस नंबर से यदि आपको ओके का रिप्लाई आया, ओके का रिप्लाई जब आएगा तभी आप इस नंबर पर पेटीएम कीजिएगा। ये पेटीएम नंबर भी है, इस नंबर पर वही 25 रुपीज़ का पेटीएम कर दीजिएगा। लेकिन ओके रिप्लाई आने के बाद, ओके रिप्लाई आएगा उसके बाद ही इसमें पेटीएम कीजिएगा। तो उसके बाद क्या है, आपके ईमेल आईडी पे हम इसे सेंड कर देंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है, और बाद में जब इसका आंसर की एक दिन बाद या दो दिन बाद जब कभी भी रहेगा तो आपको इसका आंसर की भी आपके सेम नंबर पे और सेम आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो ये इंस्टा मौजे, देखिए ये लिंक मैंने यहाँ दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पर मिल जाएगा। जिनको ये इंस्टा मौजे से जो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, जो मोस्टली लोग जो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे परचेस करें। बहुत लोगों का, बहुत नहीं, कुछ लोगों का डिमांड था कि एक टेस्ट सीरीज़ होना चाहिए, तो उनके लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपलसरी आपको ये ख़रीदना ज़रूरी है, लगे ज़रूरी तो खरीदिएगा वरना मत खरीदिएगा, तैयारी करते रहिए। बस ये एक 100 क्वेश्चन का एक सेट है जो आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए, यानी अब तक आपकी तैयारी कितनी है, आपका तैयारी कितना हो चुका है, आप इसे खुद जज कीजिए। इसे यदि आप परचेस कर रहे हैं या जो लोग भी इसे परचेस कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने टाइम शेड्यूल में से 3 घंटा निकाल सकते हैं तभी इसे परचेस कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा आपके माइंड का भी एक्सरसाइज होगा, एग्जाम थोड़ा पास में है, तो थोड़ा यदि इसे परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियसली होकर के इसे सॉल्व कीजिएगा, ये एक थोड़ा निवेदन है आपसे। ठीक, तो अगर किसी भी प्रकार का डाउनलोड करने पर या इसके पेमेंट संबंधी कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, टेंशन मत लीजिए, अभी आज या कल में आपका जो छत्तीसगढ़ बजट वाला, जैसे हमारा अभी केंद्रीय बजट हम लोग कंप्लीट किया, अब छत्तीसगढ़ बजट का भी वीडियो आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आज वीडियो आया तो सेकंड वीडियो आने में टाइम लगेगा, आपका जस्ट अभी कल या परसों तक आपका ये सेकंड वीडियो डाल दूंगा जो आपका छत्तीसगढ़ बजट 2018-19 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगा। ठीक, तो आज यहीं एंड करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया गया है, लिंक पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हर बार की तरह किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।